उपासना और साधना, उपासना भगवान की समीपता, साधना अपने व्यक्तित्व को ऊंचा उठाना, और आराधना मानव जाति की सेवा। उन्होंने तीनों का सम्मिश्रण कर दिया, त्रिवेणी बना लिया, और उस त्रिवेणी में जब स्नान किया तो जाने क्या से क्या बनते हुए चले गए, और जो भी आए वो नतमस्तक होते हुए चले गए, चाहे वो विरोधी क्यों नहीं हुए, विरोधी क्यों नहीं रहे, वो भी नतमस्तक होते हुए चले गए, क्योंकि उनके व्यवहार कुशलता के सामने जो उन्होंने साधना की थी और जो उनका व्यवहार था, जो उनका वातावरण था। कहते हैं ना कि जैसा चिंतन होता है वैसा ही चरित्र होता है, और चरित्र जैसा होता है वैसा ही व्यवहार होता है, और जैसा व्यवहार होता है वैसा ही वातावरण बनता हुआ अपने आप में चला जाता है। गंदी जगह आप बैठेंगे तो आप उससे प्रभावित होंगे, और अच्छी जगह किसी भले आदमी के पास बैठेंगे तो आपके अंदर अच्छाइयाँ आएंगी, निश्चय ही आएंगी, क्यों नहीं आएंगी। आपका जो चिंतन है घटिया, वो सड़ा हुआ है, उससे काम नहीं चलेगा। व्यक्ति से व्यक्ति जुड़ता है। आज हम काटते हुए चले जाते हैं, लेकिन बनाना नहीं सीखा हमने। यदि बनाना सीखा होता तो इस कभी सारे विश्व में सात ऋषि थे, सात, और सात ऋषियों ने सारे संसार का संचालन किया था। स्वतंत्रता आंदोलन में जब उन्होंने कार्य किया, उपासना का परिष्कृत स्वरूप में आपको बता रही हूँ कि उपासना से उनका स्वरूप कितना परिष्कृत होता हुआ चला गया, मिला नहीं, प्राप्त नहीं होता है। कैसे प्राप्त नहीं होता है, सब कुछ प्राप्त होता है। मैं तो ये कहती हूँ कि धन दौलत पीछे 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 फिरती है, आगे 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 आगे। क्यों क्यों साहब, ऐसी क्यों फिरती है, ऐसा क्यों होता है? सारी जिंदगी हाथ मलते हुए रह जाते हैं, सारी जिंदगी कमाते कमाते वो उसी नरकी योनि में चले जाते हैं, ये क्या बात हुई? इसलिए हुई कि संत जो होता है वो सारे विश्व का होता है, सारे विश्व का वो पिता होता है, वो माँ होता है, और उसको बनाने का वो प्रण करता है। इसलिए कोई कमी नहीं पड़ती उसके उसके जीवन में। अपने व्यक्तिगत जीवन में जरूर कमी पड़ेगी, गुरु जी के जीवन में जरूर ये कमी आई, हमारे जीवन में वो कमियाँ आई कि जो आर्थिक उसका हमने कभी उसको महत्व नहीं दिया, दिया नहीं, ऐसा नहीं था कि नहीं था, जमींदार के लड़के थे, क्यों नहीं था, सब कुछ था। लेकिन उन्होंने ये कसम खाई थी, उन्होंने कहा कि नहीं, बाप की कमाई में से हमको नहीं लेना। तो क्या करना है कि बाप की कमाई बाप के ही श्राद्ध तर्पण में जाएगी, हमने कमाई नहीं तो हमारा कोई भी इसमें अधिकार नहीं जाता। उन्होंने नहीं छुआ। ये साक्षी, मैं साक्षी हूँ, और जो परिवार वाले वो साक्षी, और तो किसी ने नहीं देखा, मैं साक्षी हूँ। सारी जमींदारी के बॉन्ड गायत्री तपोभूमि के लिए दान कर दिए थे, रहे मेरे जेवर, जेवर थे सन 56 की पूर्णावति में, 108 कुंडी यज्ञ हुआ था, उसमें गुरुजी ने कहा कि तुम्हें मोह है क्या इन जेवरों से? मैंने कहा नहीं, मेरे लिए आप भगवान हैं। मैंने कहीं भगवान नहीं देखा, मुझे नहीं मालूम कहाँ है भगवान, लेकिन मैंने एक व्यक्तित्व को देखा, मैंने उसका विराट स्वरूप देखा। जब मैंने विराट स्वरूप उसके अंदर झांका तो मैं समर्पित हो गई। ये तो उनकी पत्नी में, लेकिन पत्नी कम समर्पण ज्यादा, कदम से हमारे कहा नहीं, कोई जरूरत नहीं है इस लकड़ झंझार की, मुझे क्या करना है, मुझे मेरा भगवान और मेरा ईमान, भगवान से जुड़कर ईमान रह जाता है। जब हमारा भगवान और ईमान हमारे साथ है तो फिर और की हमें क्या आवश्यकता है। उपासना, साधना, आराधना, यही गुरुजी ने किया, गांधी जी ने भी यही किया। आपकी झोली, आपका दामन पूरे वरदानों से भरता हुआ चला जाएगा। जो आज सारा संसार ये सोच रहा है, ये देख रहा है, क्या हमारी जलती हुई आग पर कोई पानी डालने वाला है क्या? है, एक मिशन है, वो है तुम्हारा,
जो गुरुजी ने स्थापित किया है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको इस रास्ते पे चलना ही पड़ेगा। और हम धकेल के ही मानेंगे, आपको चला करके ही मानेंगे। तपाना सिखाया है तो आपको तपाएंगे, आपके ऊपर पॉलिश करेंगे और आपको चमचमा देंगे, चमचमा देंगे आपका व्यक्तित्व, हम ऊंचा उठा देंगे ताकि आपका व्यक्तित्व दूसरों को, जनमानस को प्रेरणा देता हुआ चला जाए, ज्योति स्तंभ का काम करता हुआ चला जाए। बस इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ, शायद आपने कुछ ग्रहण किया हो। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।